आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस पर दो दर्जन से अधिक MGS के BLE द्वारा BMO डॉक्टर SR मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना योद्धा के रूप में फ्रंटलाइन वर्कर एवं वर्तमान में उन्हें कोरोना से बचाने हेतु सुरक्षा के लिए दी जाने वाले उपकरणों की मांग की। साथ ही VLE भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि हम लोग कोरोना पॉजिटिव के आयुष्मान कार्ड बनाते जाते हैं, जिसके लिए हमें भी बचाने हेतु की PPE किट अन्य उपकरण दिए जाएं, ताकि हमारा भी कोरोना से बचाव हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर हमने आज BMO साहब को ज्ञापन सौंपा। आज BMO साहब को आवेदन दिया है, जो कि चूंकि किल कोरोना 3 में सभी MGGS के VLE की ड्यूटी लगाई गई है, उसमें असल में क्या है कि उनके द्वारा कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए VLE को पहुंचाया जा रहा है, जबकि सुरक्षा के मामले में न तो उन्हें सुरक्षा किट प्रदाय की गई है, ना ही कोई सुरक्षा से संबंधित सामग्री प्रदाय की गई है, ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोरोना योद्धा जैसा या अन्यत्र कोई लाभ दिया जा रहा है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं के ऊपर आज BMO साहब को आवेदन दिया है। कितने लोग आए आप? आज हमारे साथ में कम से कम 24 MGGS के VLE उपस्थित हैं, जो सभी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह घर घर और गांव-गांव जा करके काम कर रहे हैं। आज ज्ञापन जो BLE हैं, जो आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य करते हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये ज्ञापन दिया है। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगें रखी हैं कि हम लोग कोविड पॉजिटिव केस के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने जाते हैं, तो हमें जो सामग्री है वो दी जाए और हमें कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। जैसे कि हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना योद्धा घोषित किया जाता है, यही उनकी विभिन्न मांगें थी जो हमने ज्ञापन दिया। मुरैना से गौरव गोड़ की ये रिपोर्ट।